Hello and good morning, students. Today in chapters Weather, Climates and Adaptations of Animals to Climate, we will study about tropical rainforest and adaptations of animals who live in tropical rainforest. Okay? So what is tropical rainforest? It is a climatic condition where the more heats and more rainfalls occurs. Okay, yeah, maximum heats and maximum rainfall occurs. Okay, so this tropical rainforest is also known as hot and humid climate. Okay, यहाँ पे होता क्या है कि temperatures बहुत ज़्यादा होता है इस area में और यहाँ पे बारिश भी बहुत भारी मात्रा में होती है. Okay, इसको हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर कहते हैं. हालांकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पेड़ पौधे, जंगल ये सब भी बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं. ओके, तो जंगल और पेड़ पौधे जब जहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. ओके, तो नंबर ऑफ एनिमल्स कैसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर हम कंपेयर करें पोलर रीजन से, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स ही हैं जो कि पोलर रीजन्स में पाए जाते थे, ठीक है, बट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैनी एनिमल्स और बर्ड्स कैन सर्वाइव देमसेल्व्स. ओके, बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट. ओके, तो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देखोगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है कि इट इज़ अ रीजन ऑफ अर्थ which is situated near the equator of the earth. Okay, yeah, the area which is placed near the equator of the earth is known as tropical rainforest. Okay, तो वैसे एरिया को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं जो कि अर्थ के इक्वेटर के आसपास स्थित होता है. अर्थ का इक्वेटर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये जो बीचों बीच का जो पोर्शन होता है ना, दिस इज द इक्वेटर. ओके, यानी सनलाइट जो है इस पर डायरेक्ट फॉल्स होता है. ठीक है, दिस रीजन से क्या होता है, तो एरिया नियर बाय द इक्वेटर्स, यानी कि इक्वेटर के नियर बाय जितने भी कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज आते हैं, दैट कम्स अंडर व्हाट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन मैक्सिमम रेनफॉल्स एंड टेम्परेचर्स. ओके, दैट्स व्हाई द climates of tropical rainforest is known as hot and humid. Okay, now the topic is adaptation in big cats. Okay, adaptation in big cats. So big cats kya hota hai, big cats, what is big cats, cats kehne ka matlab kya hai, billi. Okay, the family of cats, family of cats, to family of cats mein kya hai, lion aa jayega, tiger, theek hai, और आपको लेपर्ड आ जाएगा. ओके, एटसेट्रा मान लो, ठीक है. तो टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, ठीक है, दिस ऑल एनिमल्स कम्स इंक्लूडेड, यानी कि बहुत सारे हैं, जगुआर आ जाएगा. ओके, देयर आर मेनी, माइंड में भी इतना नाम नहीं है, ठीक है. ओके, तो इसमें जितने भी बिग कैट्स हैं, ओके, दे ऑल लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, व्हाई दे लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिकॉज दे आर वाइल्ड एनिमल्स. ओके, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, दे जनरली लिव्स इन जंगल और फॉरेस्ट. ओके, तो जंगल और फॉरेस्ट में ये लोग रहते हैं, और जंगल और फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, सो यहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, दैट्स व्हाई बिग कैट्स लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन. ओके, सो हाउ द बिग कैट्स सर्वाइव देमसेल्फ. ओके, तो बिग कैट्स अपने आप को सर्वाइव कैसे करता है. ओके, तो देर आर फ्यू बॉडी फीचर्स विच हेल्प्स टू अडैप्ट big cats in tropical rainforest. Okay, so what its body features, come on to topic,
फर्स्ट बॉडी फीचर इज द कलर ऑफ बिग कैट्स. ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ बिग कैट्स? कलर ऑफ बिग कैट्स इज येलो, ब्राउन, ओके, ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी. ओके, जनरली क्या होता है, लायन का कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है, ब्राउन कलर का उसका क्या होता है? हेयर होता है. ओके, अदर एनिमल्स टाइगर्स हैं, लेपर्ड हैं, जगुआर हैं, ठीक है, इन सब के पास क्या होता है कि येलो कलर के होते हैं और ब्लैक स्ट्रिप्स होता है इनके बॉडी पे. ओके, दिस आर द कलर्स ऑफ द बिग कैट्स. तो व्हाट इज द यूज ऑफ कलर्स ऑफ द बिग कैट्स? ठीक है, तो कलर्स ऑफ द बिग कैट्स का यूज क्या है? ओके, तो कलर्स ऑफ द बिग कैट्स हेल्प देम टू हाइड इन टू द जंगल. ओके, द कलर्स ऑफ द बिग कैट्स matches to the background of the jungle. Okay, तो कलर्स क्या करता है बिग कैट्स का, ये बैकग्राउंड जंगल के बैकग्राउंड से क्या होता है, मैच कर जाता है. ठीक है, तो द प्रे ऑफ द बिग कैट्स कांट आइडेंटिफाई विच वन इज जंगल एंड विच वन इज द एनिमल. ओके, तो जितने भी प्रे होते हैं इनके बिग कैट्स के, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जंगल में अगर ये लोग छिपे होते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कलर बिल्कुल सिमिलर होता है जंगल्स के और इनके बॉडी के. ओके, दैट्स व्हाई कलर इज हेल्पफुल. तो व्हाट विल यू राइट इन द कलर ऑफ बिग कैट्स? तो यू विल राइट जनरली द कलर ऑफ बिग कैट्स इज येलो, ब्राउन एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ द ऑन द बॉडी. ओके, द कलर ऑफ बिग कैट्स हेल्प्स देम टू helps them to hide themselves into the jungle because the color of big cats matches to the background of the jungle. Okay, it helps to big cats to catch its prey. Okay, easily. तो आप लोग ये सब लिख सकते हो उसमें. Okay, क्या क्या लिखोगे? Color of the big cats matches the jungles and the big cats hide themselves easily into the jungle and this color helps to catches its prey easily. Okay, so color of the big cats se color se kaise adapt kar raha hai apne aap ko? To color se apne aap ko aise, kyunki jungle mein ye kya hota hai, colors ka match kar jata hai, to jungle mein ye kya karte hai, apne aap ko chhipa lete hai aur prey ko, theek hai, prey inke jo hote hain, jo unke shikar hote hain, they can't identify which one is jungle and which one is animals. ओके, तो क्या करते हैं ये बिग कैट्स जो है बहुत ही आसानी से चकमा देकर अपने प्रे को पकड़ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंसिटिव हियरिंग. ओके, तो जितने भी बिग कैट्स हैं, ऑल बिग कैट्स हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल. ओके, इट मीन्स व्हाट? Good sense of smell helps them to catch its prey. Okay, catch its prey by the sense of their smell. Okay, तो इसमें आप लिखोगे good sense of smell helps them to catch its prey. तो लिखोगे इसमें all big cats have a strong sense of smell which helps them to catch its prey. Okay. नेक्स्ट इज सेंसिटिव हियरिंग. दे हैव ऑल्सो सेंसिटिव हियरिंग, मतलब दे कैन इजीली हियर सॉफ्ट साउंड ऑल्सो. ओके, ये लोग सॉफ्ट साउंड भी क्या करते हैं, आसानी से सुन लेते हैं और अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं. ओके, तो सेंसिटिव हियरिंग ऑल्सो हेल्प्स देम टू कैच इट्स प्रे. ओके, थर्ड वन इज eyesight. ओके, तो eyesight क्या है? eyesight में क्या होता है कि generally all the big cats eye is situated in front of their mind. ओके, in front of their mind. तो eyesight क्या होता है? eyesight में क्या होता है कि आप
माइंड के ठीक सामने होता है ऐसा, तो इससे क्या होता है, उन लोगों को हेल्प मिलता है, ठीक है, कि कौन सा इनका प्रे किस जगह पर है, ठीक है, ये लोग इजी दे कैन इजी लोकेट देयर प्रे। ओके, तो आई साइड में आप लोग लिखोगे आई ऑफ द बिग कैट सिचुएटेड या प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देयर माइंड या ब्रेन, ओके, विच इनेबल्स देम्स टू लोकेट देयर प्रे। ओके, तो प्रे जहां पे इनके शिकार जहां पर होते हैं उनके लोकेशन को क्या करते हैं, ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आई साइट से। ओके, तो आई साइट कंप्लीट। नेक्स्ट इज दे कैन रन फास्ट। ओके, दिस इज द फोर्थ एडेप्टेशन, दैट इज दे कैन रन फास्ट। तो दे कैन रन फास्ट ये क्या होता है, इनकी एक फीचर्स होती हैं। ओके, ये अपने प्रे को यानी कि प्रे को ये इजीली कैच कर लेते हैं, कैसे, फास्ट रनिंग से। ओके, दे कैन रन एज फास्ट एज देयर प्रे। ओके, इनकी प्रे जितने भी फास्ट चलते हैं उतने फास्ट ये दौड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग लिखोगे जनरली ऑल बिग कैट्स हैव कैपेसिटी टू रन फास्ट, ओके, टू कैच इट्स प्रे। ओके, दैट्स इनफ। फाइव, फाइव नंबर क्या हो जाएगा, फाइव नंबर हो जाएगा दे हैव क्लॉज, अबाउट क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे। ओके, तो ऑल बिग कैट्स हैव, ऑल बिग कैट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज क्लॉज। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज क्लॉज विच हेल्प देम टू अटैक्स ऑन प्रे। ओके, अटैक्स ऑन देयर प्रे। ओके, सो यहां पे क्लॉज में लिखोगे ऑल बिग कैट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज क्लॉज, ओके, इन द फ्रंट टू लेग्स, ओके, विच हेल्प देम टू अटैक्स ऑन देयर प्रे इजीली। ओके, एंड दिस क्लॉज इज ऑल्सो हेल्प्स टू वॉक ऑन सॉफ्ट सरफेस और रफ सरफेस इजीली। ओके, सो अबाउट क्लॉज वी कैन राइट दिस इनफ। ओके, देर आर फाइव एडेप्टेशंस इन बिग कैट्स। ओके, यू ऑल हैव टू डिस्क्राइब वन बाय वन। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक एंड नोट डाउन।